हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं अमित बंसल, लेक्चरर। आज विषय कोड 106 के अंतर्गत कार्य शक्ति एवं ऊर्जा पर ई वीडियो लेक्चर की सीरीज चालू कर रहा हूँ। आज हम केवल कार्य यानी वर्क पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कार्य को परिभाषित करते हैं। कार्य क्या है? जब किसी वस्तु या पिंड पर कोई बल F लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, तो हम कहते हैं बल द्वारा उस वस्तु पर कुछ कार्य किया गया। ये कार्य की परिभाषा है। अब कार्य की गणना कैसे की जाए, उसका आंकिक मान कैसे ज्ञात किया जाए, तो इसके लिए सूत्र देखिए। कृत कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में हुआ विस्थापन। बल के लिए F और विस्थापन के लिए S संकेत काम में लेंगे, तो सूत्र बना W बराबर F इंटू S। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु A पर रखी है, एक बल F लगाने से यह S दूरी से विस्थापित होकर B पर पहुंच जाती है, तो यहां बल F द्वारा वस्तु पर कार्य किया गया, जिसका मान होगा F इंटू S। अब यहां कोई आवश्यक नहीं कि जिस दिशा में बल क्रियाशील है विस्थापन भी उसी दिशा में हो। ऐसे अनेक केसेस हो सकते हैं जब लगाए गए बल और वस्तु में हुए विस्थापन के बीच कोई कोण हो, तो ऐसी अवस्था में कार्य की गणना कैसे करेंगे? इसके लिए विस्थापन का बल की दिशा में घटक ज्ञात करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसा चित्र में दिखाया गया है, वस्तु A से B तक विस्थापित होती है, परंतु विस्थापन के लिए जो बल लगाया जाता है उसकी दिशा विस्थापन के अनुदिश नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक कोण थीटा है। परंतु कार्य की गणना करते समय हमें सूत्र में विस्थापन का मान S न रखकर इस विस्थापन का बल की क्रिया रेखा के अनुदिश जो घटक होगा वह सूत्र में रखा जाएगा। यानी इस परिस्थिति में कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन S का घटक, जो कि S cos थीटा होगा, तो कार्य होगा कार्य W बराबर Fs cos थीटा। अब मान लीजिए थीटा का मान 0 है, यानी विस्थापन और बल A की दिशा में है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। तो थीटा का मान 0 होने पर कॉस थीटा 1 होता है, तो ऐसी अवस्था में हमारा सूत्र वही आ जाएगा W बराबर Fs, यानी बल और विस्थापन का गुणनफल। और यदि दोनों के बीच कोई कोण थीटा बन रहा है, तो सूत्र में हमें Fs cos थीटा काम में लेना होगा। ऐसा भी संभव है कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। जैसे उदाहरण के लिए, आपने y दिशा में बल लगाया परंतु विस्थापन x दिशा में देखने को मिला। ऐसी दिशा में विस्थापन होने के बावजूद भी बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री होने पर cos थीटा cos 90 डिग्री 0 हो जाता है, जिससे Fs cos थीटा का मान 0 आएगा। तो ये आवश्यक नहीं कि बल लगाया जाए तो सदैव कार्य ही हो। बल की दिशा में कुछ विस्थापन है तभी हम कार्य को निकाल पाएंगे, कार्य 0 नहीं हो। अब कार्य की इकाई कैसे निकालते हैं? जैसा सूत्र में मैंने आपको बताया,
W बल और विस्थापन का गुणनफल है। बल को हम न्यूटन में नापते हैं जबकि विस्थापन या दूरी मीटर में नापी जाती है। तो न्यूटन और मीटर में भी गुणा ही होगी क्योंकि F और S में भी गुणा ही हो रही है। तो कार्य की इकाई आई न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन मीटर। इसे ही जूल कहा जाता है और इसे J द्वारा व्यक्त करते हैं। आजकल हम प्राय सभी जगह MKS या SI सिस्टम यूज़ करते हैं, तो जूल ही कार्य की मानक इकाई मान ली गई है। इसी प्रकार हम एक जूल को भी परिभाषित कर सकते हैं। सूत्र में देखिए, यदि आरोपित बल एक न्यूटन हो और बल के अनुदिश एक मीटर का विस्थापन हो तो कार्य एक न्यूटन मीटर यानी एक जूल होगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, परंतु कार्य जो कि बल और विस्थापन का गुणनफल है वास्तव में एक अदिश या स्केलर क्वांटिटी रहती है। चलिए, ये तो हमने कार्य के कंसेप्ट्स देख लिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न एक में क्या कहा गया है। एक टन द्रव्यमान की एक गाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जा रही है। इसे ब्रेक लगाकर रोका जाता है। रुकने तक यह 15 मीटर की दूरी और तय कर लेती है। बताइए कितना कार्य किया गया। तो यहाँ वस्तु हमारी गाड़ी है। ब्रेक लगाने से गाड़ी पर बल लगाया जा रहा है जिससे गाड़ी रुक जाती है। तो ये बल गाड़ी को रोकने में कितना कार्य करेगा इसकी हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले हम सूची बनाते हैं, हमें कौन कौन से मान दे रखे हैं। द्रव्यमान M एक टन जो कि एक किलोग्राम होगा। प्रारंभिक वेग 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। एक किलोमीटर में 1000 मीटर, एक घंटा में 3600 सेकंड। तो गाड़ी का प्रारंभिक वेग 6.66 मीटर पर सेकंड आएगा। गाड़ी रोक दी गई है, अंतिम वेग V0 होगा। गाड़ी द्वारा तय दूरी जब ब्रेकिंग की जा रही है 15 मीटर है, तो S बराबर 15 मीटर और कार्य W का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास M है, U है, V है, S है और हमें W निकालने के लिए कहा गया है। तो W कैसे निकालें? W का सूत्र हमें मालूम है, कार्य W बराबर Fs cos थीटा। अब यहाँ लगाया गया बल और गाड़ी द्वारा तय दूरी या विस्थापन सरल रेखीय हैं, तो यहाँ पर cos थीटा को हम एक मान लेंगे क्योंकि हमें मुख्यतः केवल W के न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। आगे हम जितने भी प्रश्न करेंगे सभी में हम cos थीटा 1 लेके ही चलेंगे क्योंकि लगभग सभी प्रश्नों में F और S के बीच में कोण 0 180 डिग्री का है। तो कार्य बराबर F इंटू S। S का मान हमारे पास 15 मीटर है लेकिन हमें पहले बल की गणना करनी होगी। तो बल की गणना के लिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर आधारित बल गति के समीकरण है F बराबर ma। m का मान 1000 किलोग्राम है परंतु यहाँ a यानी त्वरण का मान पता नहीं है, तो पहले त्वरण की गणना कर लेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया था हमारे पास u है, v है, s है, तो a की गणना के लिए हम न्यूटन की गति की तीसरे समीकरण को काम में लेंगे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। V शून्य है, U हमारा 6.66 मीटर पर सेकंड है, A का मान हमें ज्ञात करना है, S 15 मीटर रखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे ब्रेकिंग की जा रही है, गाड़ी को रोका जा रहा है, उसके वेग में कमी आ रही है, तो यहाँ त्वरण नेगेटिव यानी मंदन होगा। तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे ताकि हमारा उत्तर धनात्मक आ जाए। तो ये सभी मान रखेंगे तो A का मान 1.48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये गाड़ी में ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन का मान है। ए का मान ज्ञात हो गया,
अब हम एफ इज इक्वल टू एम ए से बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, फिर उसमें 15 की गुणा कर देंगे तो कार्य का मान आ जाएगा। तो देखिए इसमें हमें कुछ स्टेप्स के अंदर कार्य का मान निकालना पड़ा, क्योंकि कार्य निकालने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त राशियों की आवश्यकता थी। तो आप भी इस प्रश्न को पूरा कर लेवें और चेक कर लेवें, आपका आंसर 22,200 जूल के आसपास आना चाहिए। यदि आप चाहें तो जूल को किलो जूल में भी व्यक्त कर सकते हैं। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग दे दें तो ये 22.2 किलो जूल बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये प्रश्न पूर्ण होता है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। इस बार हमें जो वस्तु या भार दी गई है वो समतल पे ना होकर एक नत्तल पर रखी गई है। नत्तल का कोण 15 डिग्री है, तल चिकना है यानी उसमें किसी प्रकार का घर्षण नहीं होगा, वस्तु का भार 1.5 किलो न्यूटन है। अब पूछा जा रहा है इसे 10 मीटर लंबे नत्तल पर खींचने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका मैंने चित्र भी बना दिया है, क्योंकि चित्र बनाने से प्रश्न काफ़ी हद तक आसान हो जाता है और गणना भी आराम से हो जाती है। तो एक नत्तल है ए ओ बी जो कि थीटा बराबर 15 डिग्री पर झुका है। वस्तु अभी बिंदु ए पर है और इसे एफ बल लगाकर खींचकर बिंदु बी तक लेके जाना है। तय दूरी 10 मीटर होगी। तो अब इस प्रश्न को कैसे हल करें, कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य का सूत्र लिख लेंगे, एफ एस कॉस थीटा जो कि इस बार भी एफ एस होगा। एस का मान 10 मीटर है, जितनी तल की लंबाई है उतनी ही वस्तु दूरी तय करेगी ऊपर तक आने के लिए। अब यहाँ पे जो विशेष मान ज्ञात करना है वो है हमारा एफ, खिंचाव बल। वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक बार पुनः चित्र पे आते हैं। देखिए इस वस्तु को खींचने के लिए एक एफ बल लगाया जा रहा है। एफ बल लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि वस्तु में कुछ भार है तो हमें इस भार के विरुद्ध कार्य करना है। परंतु चूंकि वस्तु या पिंड नत्तल पर रखा है तो हमें इसके पूरे भार के विरुद्ध कार्य नहीं करना, हमें केवल भार का वही घटक लेना है जो इस नत्तल के अनुदिश या समानांतर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वस्तु के भार यानी एम जी के दो घटक ले लेंगे। एक घटक होगा एम जी कॉस थीटा जो कि नत्तल के लंबवत है, और दूसरा घटक होगा एम जी साइन थीटा जो कि नत्तल के समानांतर नीचे की ओर है। इस वस्तु को खींचने के लिए जो बल एफ लगाया जा रहा है वो वास्तव में एम जी साइन थीटा के विरुद्ध ही लगाया जा रहा है। तो यदि वस्तु साम्यावस्था में है तो एफ का मान एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। अब चूंकि एम जी कॉस थीटा तो एफ के लंबवत है तो इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं रहेगा। तो स्पष्ट है एफ का मान एम जी साइन थीटा होगा। एम का मान द्रव्यमान है एम तो, लेकिन हमें भार दे रखा है, एम जी सीधा दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में 1.5 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल देंगे 1000 से गुणा करके, 10^3 से गुणा करके, और साइन थीटा का मान साइन 15 डिग्री होगा। तो एफ के लिए समीकरण बनेगी 1.5 × 10^3 × sin 15 degree। एस का मान 10 मीटर, एफ का मान जो हमने अभी भी सूत्र में स्थापित किया है, ये दोनों मान हम कार्य के समीकरण में रख देंगे और हल कर लेंगे। तो हमारे पास इस नत्तल पर पिंड को खींचने के लिए जो कृत कार्य होगा वह ज्ञात हो जाएगा। ये आएगा 3882 जूल या 3.882 किलो जूल। तो ये हमारा कार्य की गणना पर एक और प्रश्न हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ई वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है,
तो आप उसको रेज करें। ध्यान रखें ये जो हमारी यूनिट है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इसमें हमें तीन प्रकार की राशियां पढ़नी हैं, परंतु ये सभी राशियां एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आप पुस्तक में से कार्य पर कुछ और प्रश्न भी हल कर लें। अगली बार हम लोग शक्ति और पावर, शक्ति यानी पावर और ऊर्जा यानी एनर्जी, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।